JPNIC ये वर्ल्ड क्लास इंटरनेशनल सेंटर बना था, जिसके अंदर लॉन टेनिस के दो कोर्ट हैं, बैडमिंटन के कोर्ट हैं, आपके और स्पोर्ट्स फैसिलिटीज़ हैं, उसमें ओलंपिक साइज वर्ल्ड क्लास हीटेड स्विमिंग पूल है, और अंतर्राष्ट्रीय स्तर की कोई सेमिनार करना पड़े, कोई कॉन्फ्रेंस करनी पड़े तो उसके लिए सभी सुविधाएं हैं। और उसके साथ साथ समाजवादी नेता लोकनायक जयप्रकाश जी का म्यूज़ियम है। उन्होंने अपने जीवन में जो संघर्ष किया, जीवन में जो उन्होंने समय समय पे घटनाओं पे जो अपनी बात रखी और किस तरीके से आंदोलन को सफल बनाया, थाली बजाने का आंदोलन हुआ, वो किस तरीके से जेल से भागे हैं, और उस समय जो अखबार छपे थे इमरजेंसी के टाइम में, एडिटोरियल कुछ भी नहीं था उसमें, वो सब चीज़ें उस संग्रहालय में हैं। आने वाली पीढ़ी समझे सोचे उसके बारे में, इससे समाजवादियों ने एक सोशलिस्ट म्यूजियम बनाया। लेकिन इस सरकार ने बर्बाद कर दिया, इस सरकार ने पूरी तरीके से इग्नोर किया है। आज सरकार के पास होता और सरकार चला रही होती तो न केवल आमदनी होती वहाँ से, क्योंकि टिकट लगी है, लोग आते देखने को, समाज में लोगों का संदेश जाता है कि आखिरकार लोकनायक जयप्रकाश जी ने क्या किया है। आपने उस म्यूजियम को बर्बाद कर दिया, क्योंकि बर्बाद आपने कर दिया इसलिए आप देखने नहीं देना चाहते। बड़े भरोसे के साथ और वर्ल्ड क्लास एक सपना देखा था कि म्यूजियम बने, इसलिए बनाया था। ये सरकार सबके सपने तोड़ती है, ये सपने तोड़ने वाली सरकार है, तो आखिरकार उन्होंने ताला क्यों लगवाया, टीन शेड एक दिन पहले क्यों लगवाई, और अधिकारियों को निर्देश क्यों दिए कि कोई भी समाजवादी पार्टी का वहाँ नहीं जा सकता। JP को याद करके जिन्होंने हमें लाल टोपी दी, इसीलिए मैं उस बाउंड्री पर चढ़ करके गया। अगर JP के लिए ये करना पड़ा, क्या किया हमने, कुछ भी नहीं किया। उनका योगदान बहुत बड़ा है।